नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं PSA के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डाक पर सरचार्ज एवं संयुक्त शुल्क निर्धारण हेतु देशों को कितने समूह में बांटा गया। इसका सही आंसर है बी, 5 समूह में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, एरोग्राम का भार निम्नांकित में से कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए, 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय डाक बुकिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समय के देशों हेतु इंग्लैंड लेटर कार्ड से पत्राचार मान्य है। तो इसका सही आंसर है ए, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। अगला क्वेश्चन, विदेशी डाक के प्रिंटेड पेपर सेवा का समतुल्य इनलैंड पोस्ट सेवा के किस से है। तो इसका सही आंसर है ए, बुक पैकेट। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के अधिकतम सीमा जो किसी व्यक्ति विशेष को एक समय में बिक्री की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है बी, 10। क्वेश्चन नंबर 7, कस्टम एक्ट 1962 का कौन सा सेक्शन कस्टम विभाग के कुछ मादों को आयात हेतु प्रतिबंधित करता है। इसका सही आंसर है ए, सेक्शन 11। क्वेश्चन नंबर 8, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर फैसिलिटी किस शहर में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है ए, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द वान WAN वाइड एरिया नेटवर्क का संबंध IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के किस खंड से है। इसका सही आंसर है ए, NI। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्पण का संबंध निम्नलिखित में से किस से है। तो इसका सही आंसर है सी, रूरल पोस्ट ऑफिस से है। क्वेश्चन नंबर 11, EMV चिप कहाँ प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है ए, ATM। क्वेश्चन नंबर 12, शब्द NSP-1 एवं NSP-2 निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ए, नेटवर्क कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु पोस्टल सर्किल का मुख्यालय किस शहर में है। तो इसका सही आंसर है चेन्नई, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, रात्रि पोस्ट ऑफिस का कार्य अवधि निर्धारण सामान्यतः किस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, सर्किल हेड के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक लेटर पैकेट या पार्सल पर न्यूनतम कितने डाकघरों के दिनांक मोहर अंकित होना चाहिए। कम से कम 2 डाकघरों की दिनांक मोहर होनी चाहिए। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः डाक टिकट को लिफाफे के एड्रेस साइड किस स्थान पर चिपकाया जाता है। इसका सही आंसर है बी, दाएं तरफ ऊपरी कोना, जैसे कोई लिफाफा है तो इस जगह पर टिकट चिपकाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन एक, पोस्ट बॉक्स सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। कथन दो, पोस्ट बॉक्स सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये दोनों कथन गलत हैं। पोस्ट बॉक्स सुविधा केवल वितरण डाकघरों में उपलब्ध है और पोस्ट बॉक्स सुविधा निःशुल्क नहीं है, इसका शुल्क लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, अवितरित डाक का अंतिम निष्पादन की जिम्मेदारी किस कार्यालय की होती है। तो वो RLO की होती है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डाक जीवन बीमा की शुरुआत किस वर्ष की गई है। इसका सही आंसर है सी, 1884। क्वेश्चन नंबर 20, पैटर्न और सैंपल पैकेट के डाक घर द्वारा हस्तांतरण की अधिकतम भार सीमा कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है बी, 2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन डाक जीवन बीमा की विशेषता नहीं है? तो डी कम बोनस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका संबंध फिलैटेली से नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत किस वर्ष एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में सम्मिलित हुआ है? इसका सही आंसर है डी, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 24, सरचार्ज की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय डाक को कितने समूहों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ए, दो। क्वेश्चन नंबर 25, आवक विदेशी डाक की कस्टम ड्यूटी का परीक्षण एवं निर्धारण का कार्य किस कार्यालय में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है बी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, डाक ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलए किस वर्ष प्रारंभ हुई है? इसका सही आंसर है डी, 1995। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलए के अंतर्गत कितने प्रकार की बीमा स्कीम प्रदान की जाती हैं? तो इसका सही आंसर है सी, 6 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन हेड पोस्ट ऑफिस का हिस्सा शाखा या विभाग नहीं है? तो मेल शाखा ये भी है, डिलीवरी शाखा ये है, और सॉर्टिंग शाखा ये है, लेकिन लॉन्च शाखा नहीं होती है। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29, अकाउंट ऑफिस एवं इसके सब ऑर्डिनेट ऑफिस के बीच विभागीय कर्मी द्वारा खुले केस प्रचालन की अधिकतम सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर है ए, 5 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 30, एसओ स्लिप की गतिशीलता क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। एसओ स्लिप की गतिशीलता एचओ टू एसओ होती है। क्वेश्चन नंबर 31, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 को किस एसबी ऑर्डर के द्वारा लाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 33/2021। क्वेश्चन नंबर 32, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम SCSS खातों में TDS कटौती को किस एसबी ऑर्डर द्वारा स्पष्ट किया है? इसका सही आंसर है बी, 37/2021। क्वेश्चन नंबर 33, मेटल टोकन किस श्रेणी के कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, चयनित RMS कर्मियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा या विभाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, फिलाटेली। क्वेश्चन नंबर 35, अरब पोस्टल यूनियन जो एक बंधित यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही आंसर है सी, मस्कट में। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन के संदर्भ में ट्रायल नोट्स का क्या प्रयोग है? इसका सही आंसर ए, सर्वाधिक मान्य रूट के निर्धारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 37, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के मेल विभाग का हेड कौन होता है? इसका सही आंसर है ए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 38, मेक बॉन्डिंग आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के किस आयाम के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? डी, इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, शब्द टी कोड में अक्सर टी क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है ए, ट्रंकर्सन ट्रांजेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 40, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को कितने खंडों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 8, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के समय संदर्भ में शब्द पीएमयू इंगित करता है ए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 42, शब्द HFINRPT किस प्लेटफॉर्म में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, पिनाकल में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय स्पीच पोस्ट के संदर्भ में कस्टम फॉर्म का नामांकन निम्नलिखित में से कौन है? तो कस्टम फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एक तो CN22 और CN23 होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 44, डाक विभाग के POSB ग्राहकों हेतु इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं किस वर्ष से प्रारंभ किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, 2018 में इंटरनेट बैंकिंग सेवा की शुरुआत 2018 में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 45, वेयरहाउसिंग सेवा इंडिया पोस्ट की किस सेवा की एक विशेषता है? इसका सही आंसर है सी, लॉजिस्टिक पोस्ट की एक वेयरहाउसिंग सेवा है। क्वेश्चन नंबर 46, वित्त वर्ष 2022-23 की चतुर्थ तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, 7.6। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का विधिवत उद्घाटन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही है ये, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा का रुपये में अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, 2 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 49, दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध इंडिया पोस्ट के किस आयाम से है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट PDA खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि धनराशि कितनी है? तो इसका सही आंसर है बी, 200 रुपये। क्वेश्चन